आपका स्वागत है हमारे टीम में कॉमर्स की गुरु पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बेचू बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड। ठीक है, आज यहाँ पे हम लोग इससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। ऑल्दो अगर आप बाकी और किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो उन सब जगहों पे आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, और आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा बच्चों वो क्या होगा, जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं जर्नल से रिलेटेड। क्लियर, हम लोग किससे रिलेटेड बात करने वाले हैं, जर्नल से रिलेटेड। आइए मैं अपने बारे में बता दूं कुछ आपको। तो मेरा नाम है बच्चों लक्ष्मी शंकर गुप्ता, मैं सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ, मैंने जेआरएफ भी क्रैक किया हुआ है, मेरा एमकॉम और बीकॉम दोनों कंप्लीटेड है। मेरा बीएचयू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम में 7th रैंक जनरल में आया था बच्चों, और 3rd रैंक मेरा ओबीसी में आया हुआ था। ठीक है, आइए तो मेन कंटेंट की तरफ चलते हैं। और मेन कंटेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो अकाउंटिंग का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, कहीं भी पढ़ा है बच्चों, कहीं भी पढ़ा है, और हम लोगों ने भी अभी क्लास में जो देखे हैं उसमें डेफिनेशन में हमने क्या देखा है बच्चों, होता क्या है अकाउंटिंग में, क्या करते हैं हम लोग। अगर मैं बात कर लूँ अकाउंटिंग की, तो बच्चों अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं बेसिकली, सर अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं सर, बिजनेस ट्रांजेक्शंस प्लस इवेंट्स की सर रिकॉर्डिंग करते हैं, इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। और सर ये प्रोसेस होके क्या बनेगा, प्रोसेस होके क्या बनेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, फाइनल अकाउंट्स बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट जिसको बोलेंगे। हाँ बताइए, उसका क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, एक सेकेंड मैं एक बार उसको चेक कर लेता हूँ, मे बी वो जो है वो अभी उसने ज्वाइन किया होगा, ज्वाइन नहीं हो पा रहा है ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम इसके साथ में आता है। रोनित पूछ रहे हैं कि सर बेचू बीकॉम का पेपर का कोई अपडेट, बच्चा अभी तक कोई अपडेट नहीं है। देखिए आपका जो फ्रेंड है जो जो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है उनको बोलिए एक बार वापस से ट्राई करें, क्योंकि मैं देखिए उसमें अभी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये गूगल क्लास है नहीं कि मैं बोलूँ कि आप एक बार नेटवर्क चेक करो, क्योंकि ये देखिए थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, टीचमेंट का ये प्रॉब्लम देखी जा रही है बहुत बार। तो मैं इसके लिए सजेस्ट करूंगा एक बार कि आप क्या करिए, उनको यही सजेस्ट करिए कि एक बार एप्लीकेशन को पूरा रीस्टार्ट करें, एप्लीकेशन को मतलब वो पूरा क्लियर कर दें, फिर उसके बाद वापस से रीस्टार्ट करें, तो मे भी शायद कुछ दिखे कि वो ऐड हो पाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत थैंक यू आपका सर, आपसे रिक्वायरमेंट है जूम पे क्लास ले लीजिए। बात तो आपकी सही है कि जूम ज्यादा अच्छा चलेगा, लेकिन जूम पे चलाने के लिए मेरे पास देखिए मेरे साथ में क्या है कि प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जूम पे हम चला तो लेंगे, लेकिन फिर मैं देखिए मेरे लिए एक ये मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए क्लासेस ये जो है ना रिकॉर्ड भी हो जाए, जो कि यहाँ पे ये फैसिलिटी है, और मैं जो क्लासेस लेता हूँ ये मैं फोन से लेता हूँ, और जूम जो है वो ऑप्शन देता नहीं है कि मैं जूम पे ये क्या कर सकूँ, क्लास को रिकॉर्ड कर सकूँ। तो टीचमेंट के लिए ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है, क्योंकि बाकी बच्चे जो जैसे कि इनका प्रॉब्लम हुआ या क्लास मिस हो गई या फिर कुछ नहीं समझ में आया दोबारा देख ले, तो वो चीज़ वहाँ पे पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, यूट्यूब पे लाइव आ सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पे लाइव आने के लिए देखिए प्रॉब्लम कैसे, जैसा कि मैंने बच्चों से डिस्कस किया था इस बारे में, यूट्यूब पे लाइव आ सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम एक तो ये आएगी ना, थोड़ा सा यहाँ पे हम कनेक्शन जो है ना ज्यादा फील करते हैं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं अपना ऑडियो में ओपन कर लिया और सारे डाउट्स अपने बता दिए। ठीक है, तो थोड़ा सा कनेक्शन इस तरीके से बच्चों के साथ में ज्यादा होता है, मुझे भी मजा आता है आप लोग के साथ पढ़ने में, क्योंकि जब आप लोग के आंसर आते हैं फटाफट ऑडियो में तो मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि नहीं हाँ आप लोग एफर्ट कर रहे हो। क्लियर, चलिए आइए हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर आपका अकाउंटिंग में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास में होता है कुछ बिजनेस ट्रांजेक्शन, और हम क्या करते हैं उस बिजनेस ट्रांजेक्शन को और इवेंट्स को बच्चों रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद मेरा जो आउटपुट आता है वो क्या आता है, वो आता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट्स आता है। हाँ जी बताइए, ठीक है यहां तक सबको समझ में आ गया, बहुत ही बेसिक सा मैंने बात बोला है, अभी बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बोला है। ठीक है क्लियर, तो अकाउंटिंग में बच्चों ऐसा ही होता है कुछ। ठीक है, अब अकाउंटिंग बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि ये प्रोसेस है, अकाउंटिंग बेसिकली क्या है, ये एक तरीके का प्रोसेस है जहां पे बच्चों हम एक तरफ से आलू डालते हैं दूसरी तरफ से सोना निकलता है। यहाँ पे आलू का मतलब है बुक,
बिजनेस ट्रांजेक्शन और इवेंट्स का और आउटपुट का मतलब जो सोना होता है मेरे लिए, सच में सोना वो निकलता है, कि जो फाइनल अकाउंट्स होती है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस के लिए। बेसिकली होता क्या है आपको मालूम है कि हम क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करने के बाद जो मेरे पास में आउटपुट निकल के आता है बच्चों, इसको बोला जाता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस सर ये क्या हो गया, इसका मतलब नहीं समझ में आया। अब जैसे हम और आप बात कर पा रहे हैं, इसके पीछे का कोई लैंग्वेज है, जैसे मैं हिंदी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, कि कुछ ना कोई लैंग्वेज है हम लोगों के बीच में जिससे कि हम कनेक्ट कर पा रहे हैं एक दूसरे को। तो सर बिजनेस जो है वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होता है, तो उसके लिए जो लैंग्वेज है वो क्या है, अकाउंट्स। तो वो अपनी बातों को कैसे रखता है लोगों के सामने, सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू रखता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू रखता है, ठीक है। बहुत सही आपने बोला, हाँ गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस आपको मिल जाएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो हमने क्या देखा सर, हम लोग क्या करते हैं सर, इनपुट की तरह से हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन और इवेंट हम लोग यूज करते हैं, और आपका आउटपुट निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब बच्चों ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस होता है। जैसे हमें अपने बारे में कुछ बताना है तो हम बोल के बता सकते हैं, लेकिन अगर बिजनेस को दुनिया वालों को बताना है कि मैं कैसा हूं मैं कैसा नहीं हूं, वो कैसे बताएगा बताइए ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू बताएगा, फाइनल अकाउंट्स के थ्रू बताएगा, ठीक है। अगर उसको अपना अपना फाइनेंशियल पोजीशन बताना है तो बैलेंस शीट के थ्रू बताएगा, उसे अपना अपना प्रॉफिट बताना है तो वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट के थ्रू बताएगा, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर है क्या सबको, यहां तक सारी बातें क्लियर है? चलिए बहुत ही बढ़िया, मैंने अभी सिर्फ बेसिक से बात की है, अब आइए बात करते हैं, ये स्टेप्स होते हैं कुछ आपके अकाउंट्स में, स्टेप्स होते हैं अकाउंट्स में। जैसे कि आपने डेफिनेशन जब पढ़ा होगा अकाउंटिंग का, तो वो बोलता है कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर। तो ये सारी चीजें वो बोलता है, ठीक है। तो डेफिनेशन में आप सबसे पहले क्या करते हो, या स्टेप में क्या करते हो अकाउंटिंग प्रोसेस में सर, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कौन से ट्रांजेक्शन को सर रिकॉर्ड करना है और कौन से ट्रांजेक्शन को छोड़ देना है। सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने का मतलब ये रहेगा आपका कि आपको डिसाइड करना है कि कौन सा फाइनेंशियल नेचर का है, यानी कि किसको हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते। बच्चों याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ जो मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट हो सकता है जो ट्रांजेक्शन, सिर्फ उसी को ही हम रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ उसी को ही रिकॉर्ड करेंगे, और जो ट्रांजेक्शन आपका रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा ना बच्चों, उसको हम लोग रिकॉर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल मॉनेटरी मतलब कि जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मनी में, क्लियर, जिसको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, आइए सपोज कर लीजिए आपके एम्प्लॉयज जो है, आपके एम्प्लॉयज आपस में लड़ाई कर लिए, ठीक है, ये दो एम्प्लॉयज है आपस में लड़ाई कर लिए। अब बच्चों ये लड़ाई हम रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या, भले इसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है? नहीं कर सकते हम, ये नहीं रिकॉर्ड कर सकते, या इसको मॉनेटरी टर्म्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते, मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते कि कितने रुपए का आज लड़ाई हुआ है लोगों के बीच में, नहीं कर सकते, है ना। लेकिन सपोज कर लीजिए ये दो लोग लड़ते लड़ते आपस में हमारे बिजनेस का लैपटॉप, कंप्यूटर, या फिर कोई भी एसेट्स, या कोई भी चीज हमारे बिजनेस का, ये लोग आपस में तो मतलब ऐसा फेंक के लगे मारने, लड़ाई करने, और उसी में टूट गया ये। तो अब यहाँ पे सर नुकसान हो रहा है, अब हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अब हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इनकी लड़ाई की वजह से मेरा कितने रुपए का नुकसान हुआ है। बात समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है? चलिए तो अभी तक हमने ये समझा सर कि सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है जो सर मनी में कन्वर्ट हो सकता है, जो सर मनी में कन्वर्ट हो सकता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या बोलता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। फिर सर उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, उसकी क्या कर ले हम लोग, रिकॉर्डिंग कर देंगे, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन जर्नल। यहाँ पे दिख रहा है आपको, सबको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा है, कि रिकॉर्ड कहाँ पे करना है बच्चों, जर्नल में रिकॉर्ड करना है, क्लियर है। यानी कि सबसे पहली बार अगर मैं बोलूं कि आपके इस प्रोसेस में ट्रांजेक्शन जो इंटर होता है, तो कहां से इंटर लेता है, वो गेट क्या है,
वो गेट कहाँ कौन सा है जहां से मेरा बिजनेस ट्रांजेक्शन हमारे अकाउंटिंग के प्रोसेस में इंटर होता है, तो वो आपका गेट क्या हो जाएगा बच्चों, जर्नल हो जाएगा। क्योंकि जब यहाँ से एक बार मेरा बिजनेस ट्रांजेक्शन अंदर आ गया तो अब क्या होगा सर, उसी को लेजर में पोस्ट करते हैं जो रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है उसको बच्चों। क्लियर? ऐसा तो नहीं है ना, कभी ऐसा तो नहीं हुआ है ना कि ट्रांजेक्शन जो है डायरेक्ट लेजर में आया, पहले वो कहाँ जाता है, जर्नल में जाता है। बात समझ में आ रही है मेरी? सबसे पहले कोई भी जो ट्रांजेक्शन होता है वो बच्चों जर्नल में जाता है सर, उसके बाद लेजर में आता है सर। ऐसा कोई ट्रांजेक्शन हमने आज तक नहीं देखा जो जर्नल में नहीं लेजर में डायरेक्ट आता है, ऐसा कभी होता ही नहीं है बच्चों। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, उसको ट्रायल बैलेंस में ले जाते हो, फिर एडजस्टमेंट्स करते हो। एडजस्टमेंट के बेसिस पे आप क्या बनाते हो, फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को यूज करके, ठीक है, जिसमें हम और फर्दर क्लोजिंग एंट्रीज भी करते रहते हैं। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आया क्या? यहां तक ठीक है। अभी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है सर कि आप अपने टाइम में कितना कितना दिन पढ़े थे। देखो बच्चे, हम लोगों के टाइम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला था हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों के एग्जाम खत्म हुए फिर 1 से 1.5 महीने के अंदर बेचू का एग्जाम पड़ गया था, है ना। और उसमें भी मैं बहुत ज्यादा इधर उधर एक्टिव रहता था, तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाया था। और मुझे लगा थी कि नहीं यार, सच में टाइम अगर दे देता तो मेरा जो है बेचू आराम से हो जाता। ठीक है, चलिए। मैंने एम कॉम किया था और मैंने एम कॉम भी उतने अच्छे से नहीं पढ़ाई की थी, लेकिन फिर भी मेरे रैंक आ गए थे, क्योंकि वो मैंने बेसिक पे बहुत बढ़िया से फोकस किया था। और एग्जाम में जो है बच्चों बेसिक से ही पूछा जाता है, तो मेरा बेसिक बहुत बढ़िया था जिसकी वजह से मेरी रैंक अच्छी आई थी। ठीक है, तो देखिए जो कॉन्टेक्ट पूछ रहे थे बच्चों, तो ये मेरा हम लोगों का व्हाट्सअप नंबर है, ये हर्ष सर का है, ठीक है, जो इकोनॉमिक्स वाले सर है उनका, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हो, ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ठीक है, तो कोई भी डाउट आएगा आप हम लोगों से पूछ सकते हो। क्लियर? आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, हम लोग अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का कहने का मेरा मतलब ये है कि जब पहली बार ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, तो बच्चों कहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, वो सर रिकॉर्ड हो रहा है जर्नल में। वो कहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है बच्चों, जर्नल में रिकॉर्ड हो रहा है। तो सबसे पहली बार इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसको हम ये बोलते हैं कि सबसे पहले बार जो प्योर ट्रांजेक्शन होता है वो कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, जर्नल में। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल एंट्री इसको बोलते हैं। ठीक है, तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सबसे पहली बार ट्रांजेक्शन जहां पे आएगा उसको हम क्या बोल देंगे, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। उसके बाद जो है जर्नल के थ्रू लेजर में जाता है, और लेजर के थ्रू आपका ट्रायल बैलेंस में जाता है। सबको समझ में आ रहा है क्या? क्लियर? ठीक है सर, बहुत ही सिंपल सा है अभी तक तो। सर आप कौन से बुक फॉलो किए थे? देखिए बुक तो मैं बोलूंगा कि आप जो है बुक के लिए मैं तो बोलूंगा 11th 12th अच्छे से पकड़ लीजिए। 11th 12th जितना अच्छे से पकड़ लोगे आप, उतना जल्दी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, और उतना ही ज्यादा आपको हेल्प करेगा कि आप जो है अच्छे से मार्क्स गेन कर सको। ठीक है, कोई और रामबाण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 11th 12th की बुक। कोई भी सब्जेक्ट हो बच्चों, अकाउंट्स हो, बिजनेस हो, इकोनॉमिक्स हो, 11th 12th की बुक अच्छे से पढ़िए एज पर सिलेबस ऑफ बेचू। ऐसा तो नहीं है कि 11th 12th का सिलेबस आप लगे वो वाले टॉपिक पढ़ने जो वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ठीक है, नहीं तो पता चला लगे नेशनल इनकम का क्वेश्चन लगाने, बच्चों वहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछता है, नेशनल इनकम का क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे स्मार्ट स्टडी भी करनी होगी। ठीक है, आइए फटाफट हम लोग अब यहाँ से चीजों को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्या लिखता है कि क्यों सर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, तो ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट इंटर्ड इन द बुक्स टू शो विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। सर इसका मतलब नहीं समझ रहा सर, ये डेबिट और क्रेडिट क्या बोल रहा है सर, ये तो मुझे समझ भी नहीं आया। ये बोल रहा है ये कि बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास में, अभी हम लोगों ने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ा था। ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसका कि रिकॉर्डिंग आपको देखो यहाँ पे आपको टीचमेंट पे मिल जाएगा। तो वहां पे हमने क्या देखा था, मे बी मैंने सर यूट्यूब पे अपलोड किया था, एक बार देख लेना आप लोग। ठीक है, मैं बता भी दूंगा, टीचमेंट पे ही क्लास हुई थी, वो अपलोडेड होगी यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये बोला कि सर रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को यूज करके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, तो कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, वो जर्नल में रिकॉर्ड होता है। तो जर्नल में जब भी आप रिकॉर्डिंग करोगे, सबसे पहली बार रिकॉर्डिंग करोगे, सबसे पहली बार रिकॉर्डिंग करोगे, और वो जो रूल्स है, वो जो रूल्स है डेबिट क्रेडिट के बच्चों, उसको यूज करते हुए आप रिकॉर्डिंग करोगे। ठीक है, फिर क्या बोलता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जनरल इज टर्म्ड एज जनरलाइजिंग द एंट्रीज। ठीक है, जब ये जो प्रोसेस है ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करने का, उसको क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग द एंट्रीज। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, इट इज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजेक्शन आर इंटर्ड ऑन डेली बेसिस।
क्या बोल दिया बच्चों? डेली बेसिस ऑन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कौन बताएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? कौन बताएगा? है ना, डेट वाइज तो सही बोला आपने, टाइम वाइज भी आप बोल दीजिए, क्योंकि मान लेते हैं, है ना, डेट वाइज टाइम वाइज सब लोग सही बोल रहे हो। तो देखो होता क्या है, टाइम वाइज जैसे सपोज कर लीजिए आज का डेट क्या है बच्चों, आज का डेट आई थिंक है आपका 15th of मई है ना। सर 15th of मई को जो है सपोज कर लीजिए ढेर सारे ट्रांजेक्शन हो गए। अब ढेर सारे ट्रांजेक्शन हो गए, सबका एक ही डेट है सर, तो सब पहले कौन सा लिखे बाद में कौन सा लिखे, तो वहां पे आपको क्या करना होगा, टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा सर। जो ट्रांजेक्शन पहले हुआ, जो ट्रांजेक्शन सुबह हुआ उसको पहले लिखो, जो ट्रांजेक्शन शाम में हुआ उसको सर बाद में लिखो, ठीक है? तो याद रखिएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको एंट्री करनी है, यानी कि सर टाइम के बेसिस पे आपको जो ट्रांजेक्शन जिस सीक्वेंस में हो रहा है उसी सीक्वेंस में आपको लिखना होगा। बच्चों मेरी स्टडीज जो हुई है सीबीएसई बोर्ड से हुई है, क्लियर? और ऐसा नहीं है कि जो बच्चा स्टेट बोर्ड से पढ़ के आ रहा है वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, उन लोगों का ज्यादा चांस होता है क्वालिफाई करने का। क्यों? क्योंकि उन लोगों के अंदर ज्यादा लगन होती है मेहनत करने की, ठीक है? सीबीएसई वालों को तो लगता है कि नहीं मैंने तो सब पढ़ा हुआ है, सिलेबस बच्चों सेम ही होता है, तो उन लोग को लगता है कि नहीं मैंने तो सारा पढ़ा हुआ है, मेरा तो आराम से हो जाएगा। इस चक्कर में बच्चों का नहीं हो पाता है, मैं बता रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस जो है बच्चों को ले बिकता है। तो जो जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे होते हैं जिनका सिलेबस उतना मैच नहीं करता है, तो वो ज्यादा मेहनत करके पढ़ते हैं और वही बच्चे जो है आगे क्रैक कर ले जाते हैं, ठीक है? तो सारे बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग फोकस करिए इस पे, ठीक है? भले ही आपने पढ़ लिया, दोबारा पढ़िए, हो सकता है नई चीजें पता चलेंगी, है ना? चलिए, द एंट्री मेड इन द बुक्स इज नोन एज इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। तो उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, जर्नलाइजिंग द एंट्री। और जो एंट्री हम लोग करेंगे उसको क्या बोल देंगे बच्चों, जर्नल एंट्री बोल देंगे। बोलिए यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक सबको क्लियर है क्या जर्नल से रिलेटेड? चलिए कोई बात नहीं, बच्चा जो हमारे पास में है वो महाराष्ट्र बोर्ड से है, कोई बात नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कोई भी बोर्ड हो, कंटेंट सिलेबस सब यही होने वाला है, टॉपिक्स आपका यही होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मैं बता दूं, मैं सीए स्टूडेंट हूं, तो वहां पे आपको मालूम है पास से ज्यादा आपको फेल का रिजल्ट देखना होता है। और फेल का रिजल्ट का मतलब है कि जितना वो पोथी आपने पढ़ा है एक बार वापस से पढ़ना होता है, और एकदम बच्चों हिम्मत टूट जाती है वहां पे कि आप दोबारा से उन चीजों को, मतलब इतना मोटा मोटा बुक, उतना बड़ा बड़ा सिलेबस वापस से पढ़िए। लेकिन पता है क्या होता है, अगर आप ये सोचोगे कि यार दोबारा पढ़ना है, आप कौन पढ़ेगा इस तरीके से, तो वो मोटिवेशन लेके आप पढ़ ही नहीं पाओगे दोबारा। तो दिमाग में एक चीज ये याद रखिएगा, भले हम चीजों को दोबारा पढ़ रहे हैं, लेकिन दोबारा पढ़ने से पता है क्या होता है, जो चीजें हम लोगों ने पहली बार में नहीं जानी थी वो दूसरी बार में हमें पता चल जाती है। तो ये प्लस पॉइंट होता है दोबारा पढ़ने से, क्योंकि कई बच्चे जो होता है ना भागते हैं कि यार हमें तो मालूम है जर्नल, हम क्यों पढ़े। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ये जर्नल का क्लास करोगे तो आज जो है जर्नल के बारे में कुछ नई चीजें यहाँ से जान के जाओगे, ठीक है? तो ये याद रखिएगा कि जब भी अगर हम कोई चीज दोबारा पढ़ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग बोर हो रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप याद रखिएगा जो चीजें आपने पहली बार सीखा था उससे ज्यादा ही आप सीख के जाओगे आप, ठीक है? आइए आगे चलते हैं, अब फंक्शन ऑफ जर्नल देखते हैं। सब क्या क्या काम करता है मेरा जर्नल? सबसे पहला तो एनालिटिकल फंक्शन, एनालिसिस करने में हमें हेल्प करता है। ईच ट्रांजेक्शन इज एनालाइज्ड इनटू द डेबिट एस्पेक्ट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट। आपको मालूम है कि जर्नल में जो होता है वो बच्चों दो कॉलम होता है, एक डेबिट कॉलम होता है और एक क्रेडिट कॉलम होता है। तो यहाँ पे जो है हम दोनों एस्पेक्ट को आराम से देख सकते हैं, और आप देख सकते हो कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो किस तरीके से फिनेंशियली अफेक्ट कर रहा है बिजनेस को, यहीं पे आप आराम से देख सकते हो, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? और आपका डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए, हमेशा बताइए ना, इक्वल होना चाहिए, है ना? सही बोला आपने सर, इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे पता भी लगा सकते हैं कि सर मैंने जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है वो सही जा रहा है या नहीं। फिर आगे क्या लिखता है, एनालिटिकल फंक्शन के बाद हम लोग क्या देखेंगे सर, रिकॉर्डिंग फंक्शन। ट्रांजेक्शन को यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटेंसी इज द बिजनेस लैंग्वेज। देखिए मैंने अभी जस्ट वो लाइन बोली थी, यहीं पे आ गया कि अकाउंटेंसी क्या है सर, बिजनेस लैंग्वेज है, विच हेल्प्स टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स। ढेर सारे प्रिंसिपल्स रूल्स के बेसिस पे रिकॉर्डिंग करते हैं बच्चों, ऐसे हवा में रिकॉर्डिंग हम लोग नहीं कर लेते। तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे उसी रूल्स को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। तो जो रिकॉर्डिंग आपका होता है वो किस बेसिस पे होता है, प्रिंसिपल्स के बेसिस पे होता है, जो रूल्स हम लोगों ने पढ़े उसके बेसिस पे। तो ईच सच रिकॉर्डिंग एंट्री इज सपोर्टेड बाई अ नरेशन। आपको मालूम है आप क्या करते हो, नरेशन देते हो। और नरेशन जो होता है बच्चों बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होता है, जैसे कि आप क्या करते हो, आप स्टार्ट किससे करते हो नरेशन का, बीइंग से। तो ये क्या होता है बेसिकली, नरेशन ये दिखाता है कि जो ट्रांजेक्शन है उसका मतलब क्या है, उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है,
उससे हमें क्या कंक्लूजन निकालना चाहिए, ये हमारा ट्रांजेक्शन दिखाता है। ठीक है, हिस्टोरिकल फंक्शन। अगला पॉइंट क्या देख रहे हैं हम लोग, हिस्टोरिकल फंक्शन। इट कंटेन्स अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। अब ये जो है बच्चों, डेट वाइज हिसाब से, मतलब डेट के हिसाब से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, तो फ्यूचर में रेफरेंस देने के लिए इजी रहेगा कि सर इस डेट को ट्रांजेक्शन हुआ था, तो जाइए भैया उस डेट वाला ट्रांजेक्शन देख लीजिए, है ना। क्या बताइए, ट्रायल बैलेंस में आप डेट को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेट को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, कि अगर सपोर्ट कर लीजिए रेंट दिख रहा है, एक्सपेंस के नाम पे रेंट दिख रहा है, तो कौन से डेट को रेंट किया था ये पता लगा सकते हैं क्या, ट्रायल बैलेंस में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लगा सकते हैं, है ना। लेकिन लेकिन जर्नल एंट्री हमें ये हेल्प करेगा कि आप यहाँ पे ट्रांजेक्शंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि कौन से डेट को बच्चों रेंट मेरी हुई थी, कौन से मंथ का हमने रेंट पे किया था, ये नरेशन में पता चल जाएगा, है ना। सपोज कर लीजिए जुलाई में पे कर रहे हैं लेकिन अप्रैल का पे कर रहे हैं, तो नरेशन में आप लिखते हो ना बीइंग द रेंट पेड फॉर द जुलाई मंथ या अप्रैल मंथ, तो नरेशन आपको हेल्प करेगा कि ट्रांजेक्शन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल पता लग जाए, और डेट के हिसाब से हमें एंट्री करेंगे तो हमें ये सब पता चल जाएगा कि कब ये एंट्री पास हुई थी, कब ये ट्रांजेक्शन हमारे लिए हुआ है। अब क्या क्या एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस क्या है जर्नल के, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्डिंग होती है, क्लियर। यहाँ पे जो ट्रांजेक्शंस होते हैं बच्चों, किस ऑर्डर में रिकॉर्ड होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो डे टू डे का हम लोग ट्रांजेक्शन लिखते हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शंस का आराम से डिटेल हमें मिल पाएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने देखा, रेफरेंस ले सकते हैं हम लोग, डेट के हिसाब से ट्रांजेक्शंस को देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि सर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करने का फायदा ये है कि आप क्या करोगे, डे टू डे इंफॉर्मेशन रखोगे और जिस डेट को रेफर करना है आप आराम से रेफर करके देख सकते हो। अगला पॉइंट क्या बोलता है, मिनिमाइजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। जैसा कि अभी हमने जस्ट ऊपर देखा कि हम क्या करते हैं सर, जर्नल में दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट भी और क्रेडिट भी। जैसे बेसिक से आपको जब पढ़ाया गया होगा तो ये सिखाया गया होगा, सबसे पहले ये बोला गया होगा कि बच्चों देखो दो कॉलम होता है, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट का दोनों अमाउंट जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए आपका, तभी जो जर्नल है वो हम लोग सही मानते हैं, अदरवाइज गलत हो जाएगा। हाँ, हम बोल सकते हैं, देखिए अभी एक बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन आया है नरेशन के लिए, उन्होंने बोला है कि क्या हम बोल सकते हैं कि ट्रांजेक्शन का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम लोग नरेशन को बोल सकते हैं, तो एकदम सही बोला बच्चे आपने कि नरेशन बेसिकली यही तो काम करता है कि ट्रांजेक्शन के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता है, देता है, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन देख के हम लोग कभी कभी नहीं पता लगा पाते कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है, तो हम अगर देख ले कि हम लोग नरेशन अगर देख ले तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज कर लीजिए राम को पे कर रहे हैं, राम टू कैश। अब राम को क्यों पे कर रहे हैं, राम कौन है भाई, मेरा रिश्तेदार है कौन है, तो पता चलेगा नरेशन से कि सर नहीं वो मेरा क्रेडिटर था, हाँ इसलिए हम उसको यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पता चल पाएगा, ठीक है। तो मिनिमाइजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, द ट्रांजेक्शन, द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इट्स इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस डिटरमाइंड बाय द रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग इनटू डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो अगर आप आराम से रिकॉर्ड करते हो, डेबिट और क्रेडिट दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करोगे, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, एरर होने की पॉसिबिलिटीज जो है ना वो एकदम कम हो जाएंगी, ठीक है। नरेशन, नरेशन जो है इसका एक एडवांटेज है, एडवांटेज कैसे है कि यहाँ पे आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देता है आपके रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन का, तो आपको जो है मान लेते आज आपने रिकॉर्ड कर लिया, बाद में आपको वो हेल्प करेगा कि आपका ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड क्यों हुआ था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कभी कभी आप लोग क्या करते हो ना, रिवाइज करते हो अपना, अगर आपने रिवाइज किया अपना नोट्स उठाया, रिवाइज किया, फिर आपने जैसे कुछ ऐसा डिजाइन बनाया हुआ था, मान लेते आप लोग क्या करते हो अपने अपने नोट्स में कुछ कुछ कोड वर्ड, कुछ कुछ की वर्ड ऐसा नोट्स में लिख लेते हो, ठीक है। जैसे ऐसे लिख लिया, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। अब कुछ लोग इसको बिटवीन भी बोल सकते हैं, कुछ लोग इसको बाय द वे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया ये आप यहाँ पे छोटा सा नरेशन देके देख सकते हो, ठीक है। तो हमको खुद अपना कोड वर्ड नहीं याद होता है, तो बड़े बड़े बिजनेस में जो वहाँ पे ढेर सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उस ट्रांजेक्शन के बारे में कैसे याद होगा, तो आप क्या करिए एक छोटा सा नरेशन लिख लीजिए जिसके बारे में फ्यूचर में भी हम देखें तो हमें वो सब चीजें याद रहे, क्लियर। किसी का कोई डाउट है बच्चों अभी तक में, बताइए जरा। देखिए जर्नल एंट्री में आपके तीनों अकाउंट के रूल फॉलो होते हैं, तीनों अकाउंट के रूल फॉलो होंगे, आपको रियल भी मिलेगा, नॉमिनल भी मिलेगा और पर्सनल भी मिलेगा।
ये रूल कौन सा लगेगा वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा हेड है वो। अभी वो चीज हम लोग देखने वाले हैं जर्नल एंट्रीज, जब हम लोग सीखेंगे तो वहां पे हम लोग सीखेंगे। हेल्प्स इन फाइनलाइजिंग द अकाउंट, आपका जर्नल एंट्री क्या करता है, आपके अकाउंट्स को फाइनलाइजिंग करने में हेल्प करता है। जर्नल एंट्री इज द बेस ऑफ लेजर पोस्टिंग एंड द अल्टीमेट ट्रायल बैलेंस। लेजर की सॉरी जर्नल के बेसिस पे ही बच्चों हम क्या बनाते हैं, लेजर अकाउंट बनाते हैं, और जिसके बेसिस पे हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका लेजर है सॉरी जर्नल है उसके बेसिस पे ही हम लोग क्या करते हैं, बाकी सारे प्रोसेसेस करते हैं। तो जो आपका जर्नल है वो काफी एक तरीके से बोल सकते हैं कि एज अ बेस काम करता है, जिसके बेसिस पे हम अपना फाइनल अकाउंट ड्राफ्ट करते हैं। बोलिए यहां तक सबको क्लियर है क्या सारे पॉइंट्स? आगे चले ठीक है। अब देखिए जितने भी मैंने फंक्शन पढ़ाए, एडवांटेजेस पढ़ाए, आपको इस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछा जा सकता है इससे, ठीक है। सॉरी, अब हम लोग आते हैं, देखते हैं फॉर्मेट ऑफ जर्नल। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट होता है। तो फॉर्मेट ऑफ जर्नल में अगर आप देखिए तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट होता है। सबसे पहला जो कॉलम होता है वहां पे डेट लिखते हैं, इस तरीके से डेट लिखते हैं प्रॉपर एकदम, डेट मंथ और ईयर के तरीके से। फिर दूसरा कॉलम जो होता है बच्चों पर्टिकुलर होता है, जो कि मेन कॉलम होता है, यहीं पे हम ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं और साथ में नरेशन भी यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स एंड नरेशन जो होता है बच्चों यहीं पे आता है हमारा। फिर उसके बाद एक कॉलम होता है वाउचर नंबर, एक कॉलम होता है बच्चों वाउचर नंबर होता है, और दूसरा कॉलम क्या होता है लेजर फोलियो होता है। फिर उसके बाद दो अमाउंट के लिए कॉलम होता है लेजर सॉरी डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। अब आप लोग जब पढ़े होंगे क्लास 11 में तो ये दो कॉलम को आप लोगों ने एकदम वैसा ही समझ लिया होगा जैसे क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं कि जैसे कोई यूजलेस है, मतलब इसका कोई यूज है ही नहीं, आपने इसको एज अ उस तरीके समझ लिया होगा। कई बार क्या करने लगे होंगे आप लोग, प्रैक्टिस जब करोगे रफ में जब बनाने लगे होंगे तो ये जो दो कॉलम है इसको आप लोग यूज नहीं करते होंगे। कोई करता था? ऑल्दो यूज होता भी नहीं है ऐसा बुक में, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चों बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, ठीक है। आप लोग जब 11 में पढ़े होगे तो कोई यूज आपको नहीं मिला होगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ है बच्चों वहां पे बहुत ज्यादा यूज होता है। सर क्या यूज होता है बताइए जरा। देखिए अब इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वाउचर नंबर में क्या लिखते हैं और लेजर फोलियो में क्या लिखते हैं। देखिए आपको सबको मालूम है, आपको सारे बच्चों को मालूम है तो कि ट्रांजेक्शन जो भी होते हैं हमें उसका प्रूफ रखना होता है। ट्रांजेक्शन बिजनेस में जितने भी होते हैं बच्चों उसका हमें प्रूफ रखना होता है। सपोज कर लीजिए हमने सेल किया है तो उसका प्रूफ क्या है कि हमने सेल इनवाइस दिया होगा कस्टमर को, ठीक है। अगर मान लेते हैं हमने कोई मशीनरी परचेज की है तो उसका सर बिल मिला होगा आपको, है ना। तो बच्चों हर ट्रांजेक्शन का आपके पास में कोई ना कोई रिकॉर्ड होता है, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, यानी कि आपके ट्रांजेक्शन का क्या सोर्स डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और उन सारे सोर्स डॉक्यूमेंट को हम क्या करते हैं बच्चों मालूम है आपको, एक फाइल में बना के रख लेते हैं, एक फाइल में बना के रख लेते हैं। और उस फाइल में जब हम लोग ये सारे पेपर लगाते हैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी नंबरिंग कर दी जाती है, लाइक 1 से लेकर के 1000 तक, ठीक है। जैसे भी जितना भी डॉक्यूमेंट हो उसकी नंबरिंग कर दी जाती है 1 2 3 4 5। अब उसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वाउचर नंबर बोलते हैं, वाउचर नंबर बोलते है, क्लियर। आइए सपोज कर लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए हमने एक मशीनरी परचेज किया, तो मशीनरी परचेज किया तो उसका हमने यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना होगा, और उसका वाउचर नंबर सपोज कर लीजिए 3 है, तो यहाँ पे वाउचर नंबर हम क्या लिख देंगे 3। फिर अब सर क्या होगा कि ये जो मेरा एंट्री है इसका लेजर पोस्टिंग होता है आप सबको मालूम है ना। इसके बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, जर्नल के बाद हम लोग कहाँ पे जाते हैं, लेजर में जाते हैं, बताइए जरा, है ना। अब सर यहां से हम लोग लेजर में जाते हैं। अब सर लेजर क्या होता है, सर लेजर का मतलब एक ऐसा अकाउंट जो अलग अलग जितने भी आपके हेडिंग रहेंगे उन सब के लिए अलग अलग सेपरेट अकाउंट बना हुआ है। सपोज कर लीजिए मशीनरी और कैश, ये दो ट्रांजेक्शन हुए हैं, ये दो के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ, तो यहां से अब आपका दो जगह जाएगा। अब यहाँ से जो है आपका ट्रांजेक्शन दो जगह जाएगा, मशीनरी अकाउंट में जाएगा और एक कैश अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट और कैश अकाउंट जो है एक लेजर बुक होती है अलग से, एक लेजर बुक होती है जहां पे ढेर सारे लेजर होते हैं। अब लेजर का भी नंबर होता है, लेजर का भी नंबर होता है। चलिए एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं आपकी बुक से इंडेक्स हटा दूं, जो स्टार्टिंग में बुक के इंडेक्स होता है ना कि ये चैप्टर इस पेज नंबर पे है,
अगर मैं वो हटा दूं तो आपको अगर बच्चों कोई भी चैप्टर खोलना होगा, कोई भी चैप्टर ओपन करना होगा, तो आपको क्या करना होगा, पहले पेज से लेकर के लास्ट पेज तक चेक करना होगा कि भाई ये पेज नंबर या फिर ये चैप्टर कौन से पेज पे है। बात समझ में आ रहा है आपको? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर सर हम आपकी बुक से इंडेक्स हटा दे, तो अगर आपको कोई भी चैप्टर सर्च करना है तो आपको पहले पेज से लेकर के लास्ट पेज तक ओपन करना होगा, जो कि ये प्रोसेस आपको हर बार करना होगा, जिससे कि आपका कितना सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम क्या लगाते हैं, इंडेक्स, क्योंकि आपने पेज नंबर देखा, आपको ये चैप्टर खोलना है तो डायरेक्ट उस पेज पे जाते हैं, हमें मिल जाता है। सर वही काम होता है लेजर पे। अगर हमें मशीनरी अकाउंट पे देखना है तो वो वाला नंबर हमें दे दिया जाएगा कि कौन से नंबर पे आपका मशीनरी का लेजर है। जैसे सपोज कर लीजिए आपको मिल गया 25, कि सर 25 पे आपका मशीनरी वाला अकाउंट है, तो वो 25 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, तो 25 तुरंत जाएंगे, हमें मशीनरी अकाउंट दिख जाएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इन सब चीजों को कंक्लूड करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि वाउचर नंबर दिखाता है कि आपका ट्रांजेक्शन कहाँ से आया, और लेजर फोलियो दिखाता है कि मेरा ट्रांजेक्शन कहाँ को गया। मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला, लेजर अकाउंट दिखा, वाउचर नंबर दिखाता है कि आपका ट्रांजेक्शन कहाँ से आया, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका सोर्स डॉक्यूमेंट का क्या है, और लेजर फोलियो दिखाता है कि आपका डॉक्यूमेंट कहाँ पे गया, सॉरी ये जर्नल एंट्री का ट्रांजेक्शन कहाँ पे गया। तो वाउचर नंबर दिखाता है, एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, आप चिंता मत करिए, मैंने यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिया हुआ है, वो अभी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पेज पे आपके लिए एग्जाम्पल ही है कि कैसे क्या चीजें होती है, एक एक चीज मैंने बताया हुआ है कि किसमें क्या होगा, कहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो वो सब चीजें देखेंगे। ठीक है, तो वाउचर चलिए तो वहां पे हम लोग देख लेंगे, तो एक बार वापस से हम लोग देख लेते हैं फटाफट, फिर उसके बाद हम लोग सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं ना। वाउचर क्या होता है, इसका नंबर, इसका मीनिंग आप पूछ रहे हैं, ठीक है मैं वाउचर बता देते क्या होता है। अच्छा वाउचर मैंने भी बताया, तो हम लोग क्या करते हैं, जब सोर्स डॉक्यूमेंट को एक फाइल में कंपाइल कर लेते हैं तो उसमें हम लोग उसी को वाउचर बोलने लगेंगे, और हर वाउचर की नंबरिंग हो जाएगी, यानी कि एक ऐसा फाइल है जहां पे हर तरीके का सोर्स डॉक्यूमेंट है, हर तरीके का आपका बच्चों सोर्स डॉक्यूमेंट, मतलब सेल्स इनवॉइस भी है, परचेज इनवॉइस भी है, क्रेडिट नोट भी है, डेबिट नोट भी है, वहां पे सब चीजें हैं। ठीक है, तो वो फाइल आपका वाउचर वाली फाइल हो जाएगी, और जो नंबरिंग हम करेंगे वो वाउचर नंबर हो जाएगा। ठीक है, आइए फटाफट से देखते हैं, डेट कॉलम में क्या होता है, दिस कॉलम कंटेन द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन। पर्टिकुलर में क्या होता है, ये मेन कॉलम होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं और नरेशन लिखते हैं। क्लियर, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, वो इस पर्टिकुलर वाले कॉलम में हम लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है, बात समझ में आया? फिर उसके बाद देखिए क्या लिख रहा है, वाउचर नंबर, दिस कॉलम कंटेन द नंबर रिटन ऑन द वाउचर ऑफ द रिस्पेक्टिव ट्रांजेक्शन। उस ट्रांजेक्शन का वाउचर नंबर कितना है बच्चों, वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, लेजर फोलियो वाले कॉलम में क्या आता है बच्चों, दिस कॉलम कंटेन्स द फोलियो दैट इज पेज नंबर ऑफ द लेजर। बात समझ में आ रहा है? जैसे मैंने इंडेक्स का एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली वो पेज नंबर ऑफ द लेजर होता है वेयर द ट्रांजेक्शन इज पोस्टेड, मतलब ये ट्रांजेक्शन कहाँ पे गया, कहाँ को गया। ठीक है, फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, अमाउंट लिखते हैं, यहाँ पे फिनेंशियल वैल्यू लिखा जाता है हर ट्रांजेक्शन का, जिसके लिए कि हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं, जर्नल बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या लिखता है, ऑल द कॉलम्स आर फिल्ड इन द टाइम ऑफ एंटरिंग द ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट द कॉलम ऑफ लेजर फोलियो। जब भी हम ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करेंगे तो सारे कॉलम को लिखेंगे एक्सेप्ट लेजर फोलियो। लेजर फोलियो सर कब लिखेंगे, जब हम लोग ट्रांजेक्शन को पोस्ट करेंगे उस टाइम लिखेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? क्लियर, अब आगे चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, तुरंत समझ में आ जाएगा सारी चीजें। ठीक है, जिन भी बच्चों का डाउट आ रहा है, देखते हैं लिखता है, लिखा है एज पर वाउचर नंबर 31, एज पर वाउचर नंबर 31, यानी कि जो वाउचर नंबर 31 है वो ट्रांजेक्शन के बारे में बता रहा है, ऑफ रॉय ब्रदर ऑन 10th of May 2014। ये बता रहा है वो वाउचर नंबर कि 50,000 का हमने परचेज किया है। हमने क्या किया है बच्चों, 50,000 का परचेज किया है, फिर इस परचेज के बदले कैश वॉज पेड इमिडिएटली, उसी 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 टाइम हमने कैश भी पेमेंट कर दिया। लेजर फोलियो लिखा है कि परचेज अकाउंट का लेजर फोलियो और कैश अकाउंट का लेजर फोलियो क्या है, 5 और 17। अब ये 5 और 17 का मतलब कि जब लेजर वाली बुक खोलेंगे तो उस बुक में जो आपका बच्चों परचेज अकाउंट है वो कौन से पेज नंबर पे है सर, 5 वाले,
और कैश अकाउंट कौन से पेज नंबर पे है, 17 वाले। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आपको ये परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट देखना होगा तो आपको उसी पेज नंबर पे डायरेक्ट जाना है, वहां पे आपको वो अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड कर लिए। सबसे पहले डेट वाले कॉलम में डेट, जिस कॉलम सॉरी डेट आएगा जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ। ठीक है, अब सर ये डेट कैसे पता चलेगा, जो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट है उस पे जो डेट लिखी रहेगी वही डेट लिखेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट पे जो डेट लिखी रहेगी वही डेट आप लिखेंगे। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा पर्टिकुलर में परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग कर लिया हमने, तो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ये हमने लिख लिया। और साथ ही एक क्या लिखते हैं बच्चों, हमने एक नरेशन भी लिख लिया है जो कि हमारे ट्रांजेक्शन को डिनोट कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि गुड्स परचेज हुआ है कैश दे करके। अब बच्चों हमने यहाँ पे लिख लिया वाउचर नंबर कि ये ट्रांजेक्शन जो आया है इसका सोर्स डॉक्यूमेंट कहाँ है, उसका सोर्स डॉक्यूमेंट का नंबर क्या है। फिर उसके बाद ये ट्रांजेक्शन कहाँ से आया ये पता चल गया सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू। अब सर कहाँ पे जा रहा है, इसका अगला स्टेप जो है आपका पोस्टिंग, सर कहाँ पे जा रहा है, तो परचेज अकाउंट में गया और सर कैश अकाउंट में गया, तो कैश अकाउंट का नंबर क्या है और परचेज अकाउंट का नंबर क्या है, पेज नंबर बता दिया गया ताकि आप जाइए ट्रांजेक्शन को देख लीजिए कि सही सही पोस्टिंग हुई है या नहीं। बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप एक बार चीजों को चेकिंग करते हो तो। ठीक है, चेकिंग करते हो तो क्लियर। फिर उसके बाद आप क्या कर लिए, यहाँ पे अमाउंट लिख लिया आपने। ठीक है, सबको क्लियर है ये एग्जाम्पल, हर कॉलम समझ में आ गया, क्लियर है। आगे चले क्या, अब आगे चले हम लोग, चलिए बहुत ही बढ़िया। हाँ बताइए क्या हुआ। देखिए लेजर फोलियो है वो अलग अलग हो गया है बेसिकली, लेकिन है एक ही कॉलम। यहाँ पे ये लाइन इग्नोर कर दीजिए आप, ये लाइन गलती से आई है, लेजर फोलियो एक ही कॉलम है। ठीक है, आपका क्वेश्चन जेनुइन था। हाँ, जिस अकाउंट में पोस्ट कर रहे हो और उसका पेज नंबर क्या है वो हमने रिकॉर्ड कर लिया है ना। अब जैसे मान लेते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए आपने जैसा क्वेश्चन पूछा मैं उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज कर लीजिए ये ट्रांजेक्शन है लेजरनल, इसके बाद पोस्टिंग होगी लेजर में है ना, इसके बाद पोस्टिंग होगी लेजर में। तो अब ये ट्रांजेक्शन सर कौन से वाले लेजर में गया, सीधी सी बात है सर परचेज में जाएगा। तो परचेज आपको मालूम है कि जितना जर्नल में हेडिंग होता है उतने अकाउंट बनते हैं, आप सबने बनाए होंगे क्लास 11 में, तो ढेर सारे अकाउंट बनाने पड़ते थे, मतलब वो 5-6 पेज तक चला जाता था। लेकिन रियल बिजनेस में तो वो बहुत ढेर सारा हो जाएगा, करीब 500-600 का एक मोटा बुक बन जाएगा आपका, 500-600 पेज का आप एक का एक मोटा बुक बन जाएगा। तो आपको अगेन फिर सर्च करना पड़ेगा कि अब परचेज बुक अकाउंट कहाँ बनाया, परचेज अकाउंट आपको सर्च करना है इस मोटे से बुक में। तो अगर आपको पेज नंबर यहाँ पे नहीं देगा बच्चों तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो यहाँ पे आपको बेसिकली पेज नंबर दे दिया गया ताकि आप कंफ्यूज नहीं होइए, आप तुरंत जाइए वो पेज नंबर 5 खोलिए और आपको परचेज अकाउंट मिल जाएगा, पेज नंबर 17 खोलिए आपको कैश अकाउंट मिल जाएगा। क्लियर है लेजर फोलियो का यूज। ठीक है, वाउचर नंबर बताता है कि आपका ट्रांजेक्शन कहाँ से आया, लेजर फोलियो बताएगा कि कहाँ पे गया। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे चले अब हम लोग, आगे चले। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, चीजों को और अच्छे से समझते हैं। अगर हम लोग देखें तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे सपोज कर लीजिए कुछ चीजें डेबिट होती हैं हमेशा, कुछ चीजें क्रेडिट होती हैं हमेशा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से आइटम सर ऐसे हैं जो डेबिट होंगे, कौन कौन से आइटम ऐसे हैं जो क्रेडिट होंगे अक्सर। ठीक है, ये मैं आपको एक तरीके का नोट्स बनवा देता हूँ ताकि आपको ये चीजें हेल्प करें। जैसे सर परचेज है, परचेज आपका डेबिट होता है हमेशा, तो सर उसका अपोजिट यानी कि सेल हमेशा आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सर अगर परचेज डेबिट है तो परचेज रिटर्न कहाँ जाएगा बताइए ना, क्रेडिट में चला जाएगा सर, परचेज रिटर्न क्रेडिट में। और सर अगर सेल क्रेडिट में है तो सेल्स रिटर्न सर डेबिट में चला जाएगा। ठीक है, चलिए सारे एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, डेबिट में जाता है ना सर, नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, तो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है सर वो यहाँ पे आ गए। ठीक है, और सारे के सारे इनकम सर क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है,
एक चीज और बोल सकते हैं कि सर जितने भी एसेट्स होते हैं ना मैक्सिमम सर वो डेबिट में जाते हैं, जनरली जो एसेट्स होते हैं वो डेबिट में होते हैं और लायबिलिटीज जो होती है वो क्रेडिट में होती है। ठीक है सर, जो कैपिटल है ना, जो कैपिटल है वो आपका क्रेडिट में जाएगा क्योंकि वो भी तो लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, है ना, तो वो भी आपका क्रेडिट में जाएगा। और सर कैपिटल का अपोजिट क्या होगा? ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स कहाँ पे जाएगा? ड्रॉइंग्स आपका चला जाएगा डेबिट में। ठीक है प्लीज मेरी जो हैंडराइटिंग है थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग फॉरगिव करिएगा क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा अच्छे से बन नहीं रही है। ठीक है आइए, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, मुझे लगता है मैंने बाकी सारी मेजर मेजर चीजों को कवर कर लिया है, और भी अगर कुछ चीजें आएंगी तो हम लोग यहाँ पे नोट करते चलेंगे। चलिए कुछ चीजें और मैं आपको बताता हूँ, बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा जिससे कि आपको बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। होता क्या है बच्चों, आपने पढ़ा होगा स्टॉक, स्टॉक का नेचर क्या है कौन बताएगा? रियल, नॉमिनल, पर्सनल, क्या है ये? ठीक है सब बच्चों को लग रहा है सर रियल है ये? हाँ जी सर, देख सकते हैं इसको, देख सकते हैं एसेट्स भी है, सही बोल रहा आपने सर, ये रियल है, एसेट्स भी है, डेबिट होना चाहिए हमेशा, है ना। और रियल अकाउंट का रूल भी बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना, रियल अकाउंट का रूल भी बोलता है सर डेबिट व्हाट कम्स इन। सर जा भी सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सर जा भी तो सकता है, तो उस केस में हम क्या कर देंगे? उसको क्रेडिट कर देंगे, है ना, उस केस में सर हम क्या कर देंगे? उसको क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए बच्चों होता क्या है कि हम लोग कभी भी स्टॉक को स्टॉक नहीं दिखाते, कभी भी आपने इतनी जर्नल एंट्री की है क्या, कहीं भी आपने एंट्री में स्टॉक लिखा है क्या? नहीं सर, नहीं लिखा है सर, ऐसा कैसे हो गया सर, आपने तो बोला स्टॉक रियल है उसका एंट्री, तो बच्चों स्टॉक को हम लोग स्टॉक नहीं लिखते, पता है क्या लिखते हैं हम लोग? इन्वेंट्रीज भी नहीं, अरे इन्वेंट्री का कर, इन्वेंट्री करके एसेट्स का नाम लेते हैं, तो सही बोला। स्टॉक को हम लोग दो तरीके से बोलते हैं, एक परचेज बोलते हैं और दूसरा क्या बोलते हैं बच्चों? सेल्स बोलते हैं। ठीक है, स्टॉक परचेज करेंगे तो कहाँ लिखते हैं? परचेज में सर। स्टॉक सेल करेंगे तो कहाँ लिखेंगे? सेल्स में। क्लियर है क्या? एकदम क्लियर। आइए तो अगर आप बताइए स्टॉक परचेज करेंगे तो आएगा बिजनेस में, तो रूल क्या बोलता है रियल अकाउंट का? डेबिट व्हाट कम्स इन। क्लियर, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो सर इसलिए हम लोग परचेज को क्या करते हैं अक्सर? डेबिट करते हैं। क्लियर। और सर सर जब स्टॉक आपका जाएगा बिजनेस से यानी कि सेल, उस केस में आपको क्या करना है सर? स्टॉक को क्रेडिट करना, और स्टॉक को क्रेडिट करने के लिए आपका सेल है। ठीक है, तो स्टॉक जब भी जाएगा बिजनेस के बाहर तो उसको हम लोग क्रेडिट करके सेल में दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आया आपका? अब उसके अपोजिट में सर रिटर्न भी चलेगा आपका, उसके अपोजिट में ही रिटर्न चलेगा, यानी कि परचेज अगर डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, सेल्स अगर क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, इस तरीके से आपको याद रखना है। और एक बात मैं बता दूं आपको कि परचेज ना सर हमेशा सर डेबिट नहीं होता है, सेल्स जो है हमेशा क्रेडिट होगा, कभी भी आप सेल डेबिट में नहीं पाओगे, सब्जेक्ट टू कि आप कोई रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री नहीं कर रहे हो, तो हमेशा सेल क्रेडिट में होगा, कभी भी डेबिट में नहीं होगा जनरल एंट्रीज में। ठीक है, लेकिन परचेज जो है ना सर वो कभी कभी क्रेडिट हो सकता है, परचेज जो है ना सर कभी कभी क्रेडिट हो सकता है। आप मेरे को बताइए कि परचेज कौन से केस में क्रेडिट होगा? जब आपका गुड्स बाहर जाएगा, है ना, जब आपका गुड्स बिजनेस से बाहर जाएगा तो ही उस केस में परचेज जो है क्रेडिट होगा। सर वो तो सेल हो गया सर, एकदम सही बोला आपने सर, वो तो सेल हो गया, हम उसको सेल क्यों नहीं दिखा रहे सर, परचेज क्यों दिखा रहे हम उसको? हाँ बताइए। एकदम सही बोला आपने, है ना। अब हम उन सब हेडिंग को एक पॉइंट में कंक्लूड कर देते हैं। देखिए सर अगर गुड्स बाहर जाता है तो हम लोग सेल लिखते हैं, लेकिन कभी कभी परचेज भी लिखेंगे, कभी कभी सर परचेज लिखेंगे, सेल नहीं लिखेंगे, परचेज लिखेंगे। कब सर? अगर आपका गुड्स जो बाहर जा रहा है वो अदर देन सेल है, वो अदर देन सेल है,
कहने का मतलब है आप अपने बिजनेस से गुड्स बाहर भेज रहे हो, लेकिन सेल के तरीके से नहीं। जैसे कि सर ओनर आता है बिजनेस से गुड्स लेके चला जाता है, तो क्या बोलेंगे, रुको 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 तुम्हारा सेल इनवॉइस काटे, लगेगा पीटने आप ही को। मतलब हम मालिक के बिजनेस के हो, तुम हमें ऐसे बोल रहे हो यार, सेल इनवॉइस काटे। ठीक है, तो जब ओनर निकालेगा ड्रॉइंग के तरीके से, जब आप चैरिटी के लिए दोगे, जब आपका बिजनेस में से गुड्स लॉस हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, या फिर हो सकता है आग लग जाए, तो इन सारे केसेस में आपको किसको क्रेडिट करना है बच्चों? उस केस में आपको सेल को क्रेडिट नहीं करना है, परचेज को क्रेडिट करना है। जब आपका गुड्स अदर देन सेल बिजनेस से बाहर जाएगा, तो आपका जो है परचेज क्रेडिट होगा। तो ये एक्सेप्शनल केसेस है जब आपका परचेज जो है वो डेबिट क्रेडिट होता है। ठीक है, जो अभी आपने बताया बहुत ही बढ़िया बताया कि सर एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, आपको याद था, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको बेसिक का अभी तक नॉलेज है। सारे बच्चों को क्लियर हो गया क्या कि परचेज जो है आपका क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में। यानी वो एक्सेप्शनल केस क्या है, जब आपका गुड्स बिजनेस से बाहर जाए अदर देन सेल। सारे बच्चों को क्लियर? ठीक है, आगे चले, अब हम लोग आगे चले, बताइए क्या हुआ। परचेज और सेल को नॉमिनल अकाउंट भी बोलते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा बताया आपने, परचेज और सेल को नॉमिनल अकाउंट भी बोलते हैं, सही बोला आपने। देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे, ये तो किसी के दिमाग में आया ही नहीं, और मैं भी बताने वाला था इवन भूल गया था। चलिए बहुत बढ़िया बताया आपने, परचेज और सेल को सर नॉमिनल अकाउंट भी बोलते हैं। सर परचेज किया मतलब, सर नॉमिनल कैसे है, यहाँ तो गुड्स आ रहा है। अब बच्चों यहाँ पे भी देखिए कि आप क्या मैन्युफैक्चर करने वाले हो, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने वाले हो, और गुड्स मैन्युफैक्चर करके आप क्या करोगे, उसको सेल करोगे। तो सेल आपके लिए पैसा लेके आएगा, वो क्या है, रेवेन्यू है। तो आपके लिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया बच्चों, वो इनकम है। और इस इनकम को जनरेट करने के लिए आपने क्या किया है, गुड्स को परचेज किया। तो जब गुड्स को आपने परचेज किया, तो बोल सकते हैं कि सर ये एक्सपेंडिचर हमने किया है गुड्स पे। तो ये जो एक्सपेंडिचर ना अगर आप करते, तो ये सेल नहीं कर पाते। तो सर इनकम जनरेट करने के लिए आपने क्या किया है, ये परचेज वाला एक्सपेंड किया है, परचेज वाला एक्सपेंडिचर किया है, किस पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे। और आपका एक कॉन्सेप्ट होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें हम क्या बोलते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, वो उसमें ये बोला जाता है कि जितना भी आपने रेवेन्यू अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर, और उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जितने भी एक्सपेंस लगे हैं बच्चों आपके, उसको आपको मैच करा के लिखना होता है। जैसे कि पीएल अकाउंट में अगर हम देखें, तो क्रेडिट साइड में हमें सेल दिखेगा और डेबिट साइड में परचेज दिखेगा, और बाकी सारे एक्सपेंसेस के साथ में, वेजेस के साथ में दिखेगा, बाकी सारे चीजों के साथ में दिखेगा आपको। ठीक है, जब कुछ, हाँ, सही बोला आपने, एक्सेप्शनल केस यही होते हैं। बहुत अच्छा बताया आपने अवनीश पांडे जी, क्लियर, सबको क्लियर है क्या? परचेज और सेल्स जो है आपका नॉमिनल अकाउंट की तरफ से भी चलता है। परचेज सर लॉस हो गया, परचेज हमने किया तो सर पैसा जा रहा है मेरे पास से, लॉस हो रहा है तो डेबिट कर दिया। सर सेल कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, इनकम हो रहा है मेरे लिए, सर क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए परचेज क्रेडिट हो रहा है, तो सर इसका मतलब ये इनकम है? नहीं 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 बच्चों, यहाँ पे इनका इनकम नहीं है, ये आप अपना एक्सपेंस कम कर रहे हो। आप जो का आपका जो खर्चा है, वो आप अपना खर्चा कम कर रहे हो, इसलिए परचेज को यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हो। ये वाला जो एक्सेप्शनल केस था, ठीक है, वो चीज क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है, आगे चले क्या? चलिए, अगर अभी भी कोई डाउट आएगा बच्चों, तो आप पूछ सकते हो, क्लियर है? देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं और साथ में उसके सॉल्यूशंस भी हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं और साथ में उसके सॉल्यूशंस भी हैं, ये रहे। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चंस और ये सॉल्यूशन आपको इसी पीडीएफ में होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, ये सारे लॉजिक और ये सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और इस एग्जाम्पल के थ्रू मैच कराना है कि भाई आपका जो आंसर है वो सही आया है या नहीं। और कोई भी डाउट आएगा बच्चों, आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप ओपन है, ठीक है, आप वहां पे आराम से पूछ सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज आप कल वाले क्वेश्चन, सॉरी अगला जो क्लास होगा मंडे को, उसमें भी आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और कल आपके पास में दो सरप्राइज है, कल आपके लिए 2 से 3 सरप्राइज है, सारे बच्चे सुन के जाएंगे ये क्लास में। एक चीज तो पहले ये बता दूं कि ये पीडीएफ में मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी है कि अगर आप लोगों को जो डाउट आ रहा है सिलेबस से रिलेटेड, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है एग्जाम से कब होगा क्या नहीं होगा, और सिलेबस में क्या चीजें हैं क्या नहीं, तो ये मैंने यहाँ पे इमेज दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना है। ये पीडीएफ जब आपको मिलेगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू, या आप टीचमेंट से भी डाउनलोड कर सकते हो, बस आपको इस इमेज पे क्लिक करना है, और आपका जो ओपन है, जो वीडियो है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें सारा का सारा डिटेल आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा जहां से आप सारा नॉलेज गेन कर सकते हैं।